घोर निंदा करती हूँ मैं इस घटना की। और किसका विरोध करने जा रहे हैं ये? उस मुखिया का जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन हजारों परिवारों को अपना परिवार मानकर उनकी जिंदगियां बचाने के लिए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये केवल 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, 18 दिन के अंदर कड़ी मेहनत से 28 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर ये हॉस्पिटल बनाया गया ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। इस महामारी के दौरान जिस तरीके से हम बेड्स की कमी महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से बाकी राज्यों का बोझ भी हम उठा रहे हैं, उसके अंदर एक प्रयास था कि जिंदगियां बचाई जाएं। और आज ये विरोध करने के नाम पर विरोध कौन कर रहा है, ये चेहरे पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इनको किसान नहीं मानती, क्योंकि किसान का मुखौटा पहनकर जो लोग अपनी गंदी राजनीति सब चमकाना चाह रहे हैं, ये उनके मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए कि आज इस प्रदेश का मुखिया घर पर ना बैठकर जूम मीटिंगें ना कर इस प्रदेश को संभाल रहा है और एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। ना केवल उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, बल्कि इस प्रदेश में जितने भी डीसी हैं, जितने भी एसीएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी सीएमओज हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, सबको लाइन में लगा रखा है ताकि किसी इंसान को ये महसूस ना हो कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी और उसके इलाज के लिए उसको नहीं मिल पाई। और जिस तरीके से ये संगठन मिलकर जो इनके सो कॉल्ड नेता हैं और तथाकथित अपने आप को किसान कहते हैं, ये वही किसान है जिनके वहाँ पर तंबुओं के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उस दिन का इंतज़ार किया जाता है वो, ताकि वो मौत के घाट उतर जाए और उसके बाद वो चुप्पी साधे रखते हैं, उसकी कंप्लेंट तक नहीं करते। तो मैं भत्सना करती हूँ ऐसी चीज़ों की, और इनको सब लोगों को मिलकर सिखाना चाहिए और इनके चेहरे की पहचान करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो किसानों का मुखौटा पहनकर अराजकता का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर बना रहे हैं। और इस प्रदेश का मुखिया अगर कुछ सराहनीय कदम उठा रहा है, इस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे रहा, इस प्रदेश में वेंटिलेशन की कमी नहीं होने दे रहा, इस प्रदेश में बेडों की कमी नहीं होने दे रहा, उसके बावजूद अगर उनका विरोध किया जाता है तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उन चेहरों को ना बख्शा गए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। आज साड़ी बीबिया ते भाइया ते लाठीचार्ज जो है हिसार दे विच, उस करके उहदे संबंध च आपां इत्थे रोड जाम कीता है। सानू उपर तो गुरनाम सिंह चढ़ौनी दे आदेश आए सीगे जो साड़ी भारतीय किसान यूनियन दे प्रधान ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੀ ਪੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੌਨੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।